नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं राशिद अली। बात करें राजनीति की तो आजकल राजनीति अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन अगर नेताओं की बात करें जहां एक ओर अभी तक मानना है कि मोदी लहर चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी पहले से बहुत सक्रिय है। लेकिन इस बात का अगर कोई दूसरा मजाक उड़ाए तो फिर क्या कहना। जी हाँ, एक बयान आया है शिवसेना की ओर से, जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री बनने की इच्छा राहुल गांधी का अधिकार है। जी हाँ, हर किसी को अपनी इच्छा जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राहुल गांधी की इच्छा है तो पीएम मोदी उसका मजाक ना उड़ाए। जी हाँ, पीएम मोदी तो उन्होंने मजाक उड़ाया होगा, और जिसके बाद शिवसेना ने कहा है। आपको बता दें कि शिवसेना उनकी सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी है, और हाल ही में उसके साथ भी यानी कि बीजेपी और शिवसेना के संबंध भी सही नहीं चल रहे हैं, और उनको लेकर शिवसेना ने ये ऐलान तक कर दिया है कि आगामी जो भी चुनाव होंगे शिवसेना बीजेपी के साथ नहीं लड़ेगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने कहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा जाहिर करने का लोकतांत्रिक अधिकार है और किसी को भी इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने मुखातिब होते हुए कहा कि उनकी पार्टी NCP अध्यक्ष शरद पवार को प्रधानमंत्री पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार मानती है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आखिर कि नेताओं में इतना तो है कि आखिर वो किसी का अपमान करें तो एक लिमिट तक हो, अगर वो किसी पे आरोप लगाते हैं तो वो एक लिमिट तक होता है। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी। राहुल गांधी ने अभी बीते दिन ही कहा था कि अगर 2019 में जीतते हैं तो प्रधानमंत्री ज़रूर बनेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर निशाना साधा, उसके बाद PM ने उन पर निशाना साधा। कर्नाटक के बीदर में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि PM पद सिर्फ एक परिवार के लिए रिजर्व है। राउत ने कहा, लोकतंत्र में राहुल गांधी को यह कहने का अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, किसी को भी इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मोदी इस अधिकार के जरिए प्रधानमंत्री बने। उस वक्त 2014 में कई लोगों का रुख था कि लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री बने PM मोदी। उन्होंने कहा, राहुल गांधी को हराइए और उन्हें रोक दीजिए PM बनने से। जी, ये तो हुई इंसाफ की बात कि अगर आप में दम है तो राहुल गांधी को हरा कर आप दोबारा PM बनिए, या अगर राहुल गांधी में दम है तो वो PM को हरा कर PM बनेंगे। राउत ने कहा कि कांग्रेस देश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 2014 में अनोखा माहौल होने के चलते यह हारी थी। UPA के घटक दल राहुल गांधी के रुख पर फैसला करेंगे। जी हाँ, देखने वाली बात है कि उनके जो भी घटक दल होंगे वो राहुल गांधी पर फैसला करेंगे। तो वहीं मैं आपको राहुल गांधी की राजनीति दिखाना चाहता हूँ कि आखिर वो PM बनने के योग्य हैं या नहीं। देखिए रिपोर्ट। आज मैं शुरुआत मोदी जी के एक कोट से करना चाहता हूँ। मोदी जी ने एक किताब लिखी थी, कर्मयोगी बाय नरेंद्र मोदी, और उनकी स्पीचेस जो उन्होंने गुजरात के ब्यूरोक्रेट्स को दी थी, उन भाषणों में से मैंने कोट निकाला है। मैं आज आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यहां संविधान की बात हो रही है, अंबेडकर जी की बात हो रही है, और इस कोट से हमारे प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच बहुत सफाई से दिखाई देती है। पहले मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में बोलूंगा। What is the spirituality of a person working on cleaning toilets? Has anyone experienced spirituality of a man of Valmiki Samaj who has to remove human excretion and dirt every day? I do not believe that he accepted the task merely to fill his belly. He would not have stayed for so long in that profession, and certainly not from generation to generation. Probably sometime
for happiness of God and society, he would have thought it his responsibility to keep the environment clean, and he accepted the work and continues to do the work for generations out of his spirituality. It is not that his ancestors were unable to shift or do any other work. अब मैं हिंदी में बताता हूं. जो टॉयलेट्स को साफ करता है, जो गंद उठाता है, उसकी क्या स्पिरिचुअलिटी होती है? किसी ने स्पिरिचुअल वो स्पिरिचुअलिटी महसूस की है जो वाल्मीकि समाज का एक व्यक्ति टॉयलेट साफ करते हुए महसूस करता है? नहीं, सुनिए सुनिए, वो काम जो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति करता है, वो अपने पेट को भरने के लिए नहीं करता है. वो इस काम को सालों भर नहीं करता अगर वो सिर्फ ये काम अपने पेट को भरने के लिए करता. कहीं ना कहीं वो ये काम करना छोड़ देता, मगर वो ये काम इसलिए करता है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए काम करता है. उसके जो माता पिता थे वो आसानी से इस काम को छोड़ सकते थे, मगर उन्होंने ये काम नहीं छोड़ा क्योंकि उनको इस काम से स्पिरिचुअलिटी मिलती है. ये हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि वाल्मीकि समाज का जो व्यक्ति टॉयलेट को साफ करता है, वो पेट भरने के लिए नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है. ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनका कोट है, मेरा नहीं. अब देख, नहीं ऐसे मत बोलिए, क्योंकि हम देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम किसी के बारे में मुर्दाबाद नहीं कहते, मगर जो उनकी विचारधारा है, नहीं भैया ऐसे मत बोलिए, जो उनकी विचारधारा है नरेंद्र मोदी की, हिंदुस्तान के हर दलित को, हर गरीब को, हर व्यक्ति को समझनी है. नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि जो टॉयलेट को साफ करता है, जो गंद उठाता है, वो ये काम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए करता है, पेट भरने के लिए नहीं करता है. ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच है. मेरे पास एक व्यक्ति आए कुछ दिन पहले, मुझे कहते हैं मोदी जी से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, मैं उनको जवाब नहीं दे पाया. सवाल क्या था? मोदी जी ने इस व्यक्ति से पूछा, देखिए मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? जहां भी मैं जाता हूं, मैं अंबेडकर जी की मूर्ति पर माला लगाता हूं, हिंदुस्तान के दलित मुझसे गुस्सा क्यों है? मोदी जी, हिंदुस्तान के दलित आपसे गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि यह आपकी विचारधारा है. आप जितनी बार भी अंबेडकर जी के सामने फूल लगाओ, जितनी बार भी इनके मूर्ति पे माला लगाओ, इस विचारधारा के साथ उनकी आप इज्जत कभी नहीं कर सकते हो. और हर दलित, हिंदुस्तान का हर दलित इस बात को समझता है, जब वो नरेंद्र मोदी जी की ओर देखता है, वो समझता है कि इस व्यक्ति में
इस व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के दलितों के लिए, हिंदुस्तान के कमजोर लोगों के लिए, हिंदुस्तान के महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो देखा आपने कि आपको राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद क्या लगता है कि राहुल गांधी में वो सारी क्षमताएं हैं जो एक पार्टी का नेतृत्व करने वाले नेता में होती हैं। भले ही अब से पहले राहुल में इतनी सक्रियता नहीं दिखी थी, लेकिन अब जो राहुल में सक्रियता दिख रही है वो वाकई ऐसा लगता है कि राहुल पहले से बहुत ही सक्रिय हो गए हैं और एक पार्टी का नेतृत्व करने वाले नेता की खूबी जिनमें होती है वो राहुल गांधी में आ चुकी है। बहरहाल अब देखना यह है कि आखिर सबसे बड़ा सवाल कि 2019 में आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा और लड़ाई आखिर किसके बीच है, पीएम मोदी और राहुल गांधी, और इनमें से कौन जीतेगा, जिसका फैसला जनता करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।